कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर जिसमें चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। मौत के 46 तक पहुंच गया है, ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 46 तक दिल्ली हिंसा में मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। जीटीबी अस्पताल में 38 मौतें अब तक हो चुकी हैं, इस बात की पुष्टि जीटीबी अस्पताल ने की है। आरएमएल अस्पताल की बात करें तो वहां 4 लोगों की मौत हो चुकी है, एलएनजेपी अस्पताल में 3 की और जेपी अस्पताल में 1 की मौत पूरी दिल्ली हिंसा में हो चुकी है। ये आंकड़ा आपके सामने हमने रखा है, बेहद चिंताजनक आंकड़ा है क्योंकि बढ़ते दिनों के साथ ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लगभग एक हफ्ता हो गया है इस पूरी हिंसा को, लेकिन मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से एक एक कर शव इन इलाकों से मिल रहे हैं, इसीलिए सवाल और बड़ा हो गया, गहरा गया है कि क्या यह आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है। दिवांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। दिवांशु, कल भी 2 लाशें मिली हैं, 46 आज आंकड़ा पहुंच चुका है, चिंताजनक भी है और सवाल भी है कि क्या धीरे धीरे इसी तरीके से आंकड़ा ही आगे बढ़ता जाएगा। देखिए बिल्कुल सपना, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौत का जो आंकड़ा है फिलहाल अपडेटेड फिगर यही है कि 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 38 जीटीबी हॉस्पिटल, 3 एलएनजेपी, 4 आरएमएल और 1 जगप्रवेश हॉस्पिटल जो कि शास्त्री पार्क में है। तो कुल मिला के 46 हो चुका है, लेकिन इस बात की भी आशंका पुलिस को है कि आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि बॉडीज लगातार रिकवर की जा रही है नालों से। कल भी गोकुलपुर ड्रेन से जो है 2 बॉडीज को रिकवर किया गया और पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि दंगाइयों ने कुछ और लोगों की हत्या करके नाले में फेंके हो सकते हैं और यही वजह है कि अब तलाशी अभियान भी पुलिस चला रही है। एक तरफ से जो तमाम बड़े नाले हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के, उनकी सफाई की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कहीं उसमें किसी की बॉडी तो नहीं पड़ी। इसके साथ साथ तमाम जितने लापता लोग हैं जो कि इन 3-4 दिन में लापता हुए हैं, उनकी भी फिगर अब इकट्ठा करने की पुलिस कोशिश कर रही है, उनकी भी तलाशी अभियान अब चलाएगी। लेकिन कुल मिला के चिंताजनक आंकड़ा 46 पहुंच गया है, लेकिन ये भी बढ़ सकता है, ये भी बहुत बड़ी दुखद खबर है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।